हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह मेरे चैनल शेखर जोन में आप सबों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। होप यू डूइंग गुड। आज का हमारा सफ़र होने जा रहा है कसोल से लेके तोश तक। इस दौरान हमने कैसे सफ़र तय किया, हमने क्या क्या किया, गतिविधियाँ की, क्या क्या नज़ारे थे, क्या क्या परिस्थितियाँ थी, ट्रक में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें, कितना कॉम्प्लिकेटेड या कितना दिक्कत भरा ट्रक था या कितना सुलभ ट्रक था, इन सबों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी ऑन दिस वीडियो इन एडवांस। एंजॉय द वीडियो एंड हैव अ गुड वन। दिस इज सोनम कैफे, आपको बस स्टैंड के पास ही दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने इनसे बात करी, मैंने 25 साल से यहाँ पे, और आप ठीक मेरे सामने देखेंगे वो है पार्वती वैली टैक्सी ऑपरेटर्स। सो गाइस, फाइनली बस में बैठ चुके हैं हम, ये जा रही है बस शैनी। सारे मतलब अटकलों के बाद बस मिल गया। फाइनली तो बस शैनी जाने में जो सड़क है बहुत नैरो सड़क है। सो दोस्तों, हम उतर गए हैं बस शैनी से हम जा रहे हैं तोश। तो गाइस, ये है तोश। तो दोस्तों, मुझे मिल गए हैं जो इवेंट एंड डेकोरेशन जो करते हैं, जैसे मतलब कोई इवेंट है तो उसमें जो है इंटीरियर्स वगैरह जो है, बैकड्रॉप वगैरह जो भी जो करना है, मैरिज पार्टीज में इवेंट एंड डेकोरेशन वगैरह करेंगे, और बेबी शॉवर वगैरह जो है, इंगेजमेंट पार्टीज, मैरिज पार्टीज। आपका नाम? रजत सेठी। मिस्टर रजत सेठी हैं ये, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 9354338737। और पहली बात है कि गाँव में है, सब एकता है, और फिर आप सारे फैमिली की तरह रह रहे हैं। और एक बात पूछना चाह रहा था, ये पूरा गांव है आपका, ये मंदिर है, आप लोग जा सकते हैं इस मंदिर में? जैसे मलाना में है वैसे यहाँ पर है। अलग से गांव का नाम है या तोशी बोलते हैं इसको? तोशी है। उतनी टॉप पे तो हम नहीं जा पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। ये पता, द म्यूजिक एंड द सीन, गाइज वेलकम बैक। और हम आ चुके हैं, वी आर बैक ऑन ट्रैक कवर करने के लिए, मी एंड सोनिया टुगेदर। सोनिया जी हमारे साथ हैं, और ये पीछे जो है कसोल का टैक्सी स्टैंड है, और मेरे पीछे जो है यहाँ पे ये नेचर पार्क है कसोल। तो यहाँ पे जो है आप जा सकते हैं बाहर से, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, और आप वहाँ देख सकते हैं किस तरह का जो है पीछे जो क्लाउड मूवमेंट है। आपको मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा सकूँ, क्लाउड मूवमेंट आपको दिखेगा पीछे, बड़ा ही बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और हमारे बगल में कोई गुनगुना रहे हैं, एक पिटे हुए आशिक लग रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। आई मीन पिटे हुए आशिक मतलब उनकी बेइज्जती होगी, मतलब धोखा खाए हुए नाकाम आशिक नहीं रहेगा। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। सामने देखिए ये लोग एकदम अद्भुत, ऐसे लग रहा है कि वो जो बादल है ना पहाड़ के नीचे है, और क्या बोलते हैं
वो पेड़ सॉरी उसके पीछे पेड़ है, पहाड़ के नीचे है और ये डायरेक्ट कैप्चर कर रहा हूँ मैं, और बादल के ऊपर पेड़, अमेजिंग। आप यहाँ पे होते ना आपको इतना बढ़िया लगता है कहने की बात नहीं। ये गाइस ये भी लाइव नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा। आप देखेंगे बादल कितने पहाड़ों के नीचे तक आ गए, ये पहाड़ ये पेड़ नहीं है पीछे, बादल कितने नीचे हैं पहाड़ के। और मैंने इसको जूम इन भी नहीं किया, मतलब इसको मैंने क्लोज भी नहीं किया, इसको इमेज एक्सपेंड करके ले जाना वो भी नहीं किया मैंने, और डायरेक्ट मैं आपको जो है इसको कैप्चर करके दिखा रहा हूँ जैसे नेचुरल लुक है ना, जितने डिस्टेंस में मैं हूँ इसको उसी हिसाब से। अब बस आ गई तो हॉर्न बजा देंगे पीछे से, कुछ 1 मिनट का मैं कैप्चर कर लेता हूँ। अमेजिंग व्यू। तो गाइस दिस इज सोनम कैफे, आपको बस स्टैंड के पास ही दिख जाएगा यहाँ पे। मैंने इनसे बात करी मैंने, 25 साल से यहाँ पे ये, और मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सेटल्ड है। और आपको मोमो और ब्रेकफास्ट पराठे और ऑमलेट वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा, रीज़नेबल प्राइस में कह सकते हैं आपको मिल जाएगा। और आप ठीक मेरे सामने देखेंगे वो है पार्वती वैली टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन कसोल। तो थोड़ा बस स्टैंड से हल्का सा पीछे को आएंगे, चलते मुश्किल से 1.5-2 मिनट आप जो है टैक्सी बुक कर सकते हैं यहाँ से, कहीं और आगे जाने का प्लान कर रहे हैं तो। So it was nice meeting you all. Nice meeting you. And thanks for the guidance that now you both have provided. So I'm going to cover both of you. Thank you. I'm a very small YouTuber. Just started my stint. But yeah, it was quite useful. Thank you. Guys, wo jo aap samne dekh rahe hain, वहाँ पे आपको बाइक जो है रेंट पे मिल जाएगा बस स्टैंड के ठीक सामने कसोल के। सो गाइस दोस्तों बस से कसोल के लिए कसोल से चला था, उन्होंने मुझे गलत बिठा दिया यहाँ पे, 10-10 रुपये ले लिए। हालांकि बस पीछे कसोल से ही बन के चलती हूँ, ये रुकना चाहिए था, मगर बस रहने के लिए मैं तो यहाँ तक आ गया। और वहीं है, अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पॉइंट में, मणिकरण के एक पॉइंट पे, जहाँ पे बस लेने के लिए बस मिल जाए, कह रहे कि यहाँ पे बस रोक देते हैं, देखो क्या होता है। सो गाइस फाइनली बस में बैठ चुके हैं हम, और ये जा रही है बरसैनी। सारे मतलब अटकलों के बाद बस मिल गई हमें फाइनली, तो वहीं आगे सड़कों की बात कर रहा हूँ, बर्फ वीडियो तो जाने पे जो सड़क है वो बहुत नैरो सड़क है, और जो मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा लगभग वैसी सड़कें हैं। जो डलहौजी आते हुए नैरो सड़क थी उतनी ही नैरो है। अब जैसे मान लीजिए ये कट है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं बस रुकी, गाड़ी वाले भाई साहब मोड़ा और अब बस आगे की तरफ चलते चढ़ के चौड़ाई देखिए।
सो दोस्तों हम उतर गए हैं बरसेनी से हम जा रहे हैं तोश भग। जो है हमने जो डिस्टेंस काफ़ी कवर कर लिया है। यहाँ हमारे जोगिंदर ठाकुर साहब हैं, चालक साहब, काफ़ी मस्त आदमी है, उन्होंने मेरे को काफ़ी झेला है यहाँ तक। और काफ़ी बहुत बढ़िया रास्ता है यहाँ पे, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ बरसेनी से टोश तक। हाँ, मैं बता दूँ कि 10 मिनट का ड्राइव है, 300 रुपये चार्ज करते हैं। 10 मिनट का ड्राइव है, वो 300 रुपये चार्ज करते हैं। जाने का 300 और आपको वापसी का भी 300 करना पड़ेगा। अगर वैसे आप ट्रैक करने जाए वहाँ टोश तक, वैसे आप ट्रैक करने जाए टोश तक, आपको 45 मिनट लगेंगे। आप पैदल भी जा सकते हो। और आपको वापसी के लिए भी गाड़ी वहीं से मिल जाती है। बरसेनी जो है वहाँ पे भी बुकिंग ऑफिस है और टोश में भी जो है बुकिंग ऑफिस है। और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, जितना आप ऊपर आते हैं उतना ही मौसम और ठंडा हो जाता है। गर्मी का आपको पता नहीं चलता, गर्मी तो वैसे भी उतना पता नहीं चल रहा है, बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी फैक्टर है, मगर वो 64-70% है यहाँ पे ह्यूमिडिटी अभी। जबकि नॉर्मल जो मैंने रिसर्च किया था, बेयरेबल ह्यूमिडिटी होती है 40-60%। अगर 4% भी ऊपर है तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, मतलब है, सहने लायक है, ऐसा कह सकते हो आप। हवा चल रही है, जैसे ही सूर्य देवता बादल के पीछे आते हैं, ठंडी सी हवा जो लगती है तो एकदम जो उसका जो मतलब सुकून मिलता है हमें, रिलैक्सेशन, उसकी बात ही अलग है। तो जोगिंदर जी, आप गाड़ी कुछ टाइम से चला रहे हैं या स्टार्टिंग से चला रहे हैं आप? अब काम ही गाड़ी का रहा है शुरू से, मतलब, या अभी कुछ टाइम से चलाना शुरू किया ऐसे कुछ है? काफ़ी टाइम हो गया। ये सही है, लगेज पूरा बांध के चल रहे हैं। आगे जी, तो गाइस ये है तोश, काफी अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पानी का बहाव है, पार्वती वैली है। ऊपर में जा रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे लोग ट्रैक्टर के ऊपर जा रहे हैं, खड़ी चढ़ाई है थोड़ी। तो दोस्तों जहाँ से हम बैठे थे तोश के लिए, बस जहाँ से चढ़े थे, जो बस जो है बरसेनी तक जा रही थी, वहाँ से बरसेनी तक का किराया जो है 40 रुपये लगा था एक व्यक्ति का, और दो व्यक्तियों का जो है वो 80 रुपये हो गया था वहाँ पे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वहाँ पे किराया कितना लगा। तो दोस्तों ये है सेब के बगान, जहाँ पे जो अलग अलग सेब के पेड़ आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप ये जो है ये देखिए, ये व्यू देखिए आप सामने, जो मैं देख पा रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये व्यू जो है वाकई ही देखने लायक है। तो दोस्तों काफ़ी प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी जो है जो बढ़िया जो है मौसम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से कितनी दूर है जी? आई मीन लोकेशन है कोई ऐसा कुछ जिसमें मतलब सीनिक ब्यूटी या कोई ऐसा व्यू दिखे, ऐसा कुछ दिखे? हाँ, कितनी दूर तक है? 20 मिनट्स हाँ चलेंगे। तो ऐसे ही है ना रास्ता, स्टीप खड़ी ओट, कोई दिक्कत नहीं अभी, जैसे पैर स्टेयर होंगे बस। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मंदिर के बाद। ओके, मंदिर के बाद 50 स्टेयर केस चलने हैं, उसके बाद तोश का वाटरफॉल है। हाँ, तो दोस्तों जैसे उन्होंने बताया आगे जो है मंदिर है, कुछ 50 सीढ़ियाँ होंगी वहाँ पे, उसके बाद जो तोश वाटरफॉल तक जाना पड़ेगा,
यहाँ से कोई 20 मिनट है टोश वाटरफॉल। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे मकान बसे हुए हैं। आसपास का नज़ारा दिखा दूंगा आपको। ठीक है जी, ठीक है। क्या कैसे वो पूछ रही थी? मैंने बोला ठीक। हाउ फार इज द वाटरफॉल फ्रॉम हियर? आई डोंट नो, आई जस्ट अराइव्ड। ओके, आई मीन डिडंट गो टू द वाटरफॉल? नो, नॉट येट, आई एम लुकिंग फॉर अ होस्टल। हो हो, ओके ओके, यू लुकिंग फॉर अ स्टे? या होम स्टे। सो हैव यू नॉट फाउंड वन? आई एम लुकिंग फॉर लाइक समथिंग लाइक सम वाटरफॉल, इट्स कॉल्ड कॉटेज टाइप और टेंट टाइप? इट्स कॉल्ड वूपरेस हॉस्टल। ओके, आई थिंक यू नीड टू चेक विद द लोकल्स आउट हियर इफ यू इट सेज आई एम हियर बट आई डोंट नीड टू फाइंड इट। या आई मीन इन दीस प्लेसेस यू नो इवन गूगल कुड गो रॉन्ग, यू नो। सो या सॉरी, आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड यू बट आई हैव नो आईडिया अबाउट इट। आई एम लाइक यू, थैंक्स। या श्योर। यहाँ से भाई साहब वाटरफॉल कितनी दूर है? यहाँ से आधा घंटा। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ से अरिशो भाई साहब वाटरफॉल के लिए कहाँ भी आना पड़ेगा? इस साइड। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि हम मंदिर के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए चलिए। तो दोस्तों, ये है ऋषि जमदग्नि जी का मंदिर, और इसके बारे में मैं आपको जो है वापस लौटते हुए विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, मंदिर के बाहर कुछ लड़कों ने बताया कि इस मंदिर में खाली गांव वाले ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता, तो इसलिए हमें बाहरी बाहसी मंदिर देखना पड़ा। वापसी में मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों, ये सामने उन 50 सीढ़ी की शुरुआत जो पीछे वो बता रहे थे। तो गाइस, वो देखिए झरना, वाटरफॉल के बाद कुछ सीढ़ियाँ थी, उसको चढ़ना था। ये देखिए गांव बसे हुए, वो देखिए, वहाँ से देखिए, वहाँ से झंडा भरता हुआ है ऊपर की पहाड़ी। हर तबके के लोग, बच्चे बड़े, सब यहाँ पर ट्रैक करने आते हैं। वाटरफॉल, हाँ वो डैम टाइप ही है, डैम ही है। यस यस, हमारी मुलाकात यहाँ पे यहाँ के एक निवासी से, उन्होंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है सारा बर्फ़ पिघल रहा है, थोड़ा वॉल्यूम जो है कम होगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैं खेद प्रकट करता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मेरा माइक हट चुका था यहाँ पे और मेरी कलीग जो है कैमरा में कैप्चर कर रही थी। ठीक है जी, बढ़िया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब मुझे बर्फ पिघल रहा है। आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, वो मंदिर, वो ऋषि जी का जो मंदिर है, आप ही लोग उस मंदिर में जा सकते हैं ना, और कोई नहीं जा सकता? ऐसा क्यों है? ये थोड़ा वर्ण आश्रम का नहीं सकता, वो वर्ण आश्रम, वो आचरण जो पालन करते हैं वही कर सकते हैं, बाहर के लोग आचरण नहीं। तो वहाँ के जो जो आचरण का फॉलो करते हैं वहाँ पे, जो मंदिर जाते हैं, वो सात्विक होंगे बिल्कुल। लहसुन प्याज मीट मांस मछली कुछ नहीं खाते? मीट तो चलता है ना, हमारे बलि चलती है। अच्छा, बलि चलती है, देवताओं की बलि चलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है काली का भी है। अब आपने सुना होगा शुभ निशुभ जो असुर, हाँ तुम्हें कहते देखते यहाँ इस पहाड़ी पर आए, वहाँ ऊपर फोकस करना उस पहाड़ी पे, शुभ उनको असुर थे, वो असुर थे, हाँ
जाके रुकी हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत बढ़िया बात। आप कहाँ से हो? दिल्ली से जी। हाँ, हम कसोल आए, कसोल से हम गए मणिकरण दरबार साहब, फिर वहाँ से हम राम मंदिर वहाँ दर्शन किया, फिर उसके बाद हमारा आज खीरंगा जाने का प्लान। मकर रात को जम की बारिश हुई ना, तो वहाँ तो चलना ठीक नहीं होगा, है ना, बड़ा और जो खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे तो कीचड़ होगा, तो दिक्कत है। तो हमने बोला टॉर्च आते हैं, तो लोगों ने बोला टॉर्च चले जाओ। यहाँ पर भी लगभग यहाँ से लेके जो टैक्सी स्टैंड है वो एक घंटे का है ना, एक घंटा लग जाता है ना। हाँ, हमारे लिए, हाँ आपके लिए तो 20-25 मिनट होगा। हाँ, उन्होंने ही बोला 20-25 मिनट, हमें यहाँ आते आते 20-25 मिनट हो गया। वही चीज़ है। चलिए, एक अच्छी बात बताइए। हमारे देवता के गुरु होते हैं ना, तो वो कहता है कि मैंने वो दिल्ली तख्ता छोड़ के, दिल्ली छोड़ के हम इस पहाड़ियों में आए हैं। हाँ, जो पापा चार बढ़ा था। हाँ, दिल्ली, हाँ तख्ता छोड़ के वो दिल्ली हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा जी। ओके। वो जगमनी जी का आश्रम है ना, जम दगन ऋषि। ओके, परशुराम जी की पिताजी। ओके, तो दोस्तों, काफ़ी सज्जन व्यक्ति थे, काफ़ी चीज़ें बताई उन्होंने, जैसे कि जमदग्न ऋषि मंदिर जो आश्रम है वहाँ पे बाहर के व्यक्ति क्यों नहीं जा सकते, और ग्लोबल वार्मिंग का भी उन्होंने जिक्र किया, किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र। उन्होंने बताया कि वाटरफॉल यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, काफ़ी सज्जन व्यक्ति थे। तो दोस्तों, ये होने जा रहा है मेरे कलीग की तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति यहाँ के वातावरण के प्रति और यहाँ के सेब के पेड़ों के प्रति। दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं सेब के बागवान, जो कि ये कहते हैं कि सारे नीचे जाके तोड़ते हैं जो यहाँ के लोग हैं। सो आप देख सकते हैं अभी ये बहुत छोटे हैं और ग्रीन कलर के हैं, एज यू ऑल नो कि ग्रीन ही रहेंगे क्योंकि कच्चे हैं ये काफ़ी, तो अभी इसे तोड़ने के लिए भी मना किया है। जब ये थोड़े रेड और बड़े हो जाएंगे, देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए पास से ये देखिए। सो, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इन्हें तोड़ के खा जाऊं, बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ये काफ़ी नीचे और मेरे लिए काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। देखिए, ऐसा लग रहा है कि मैं भी यहाँ पे एक घर लेके एक छोटा सा रहना स्टार्ट कर दूँ। बस शर्त ये हो कि मुझे कोई जॉब मिल जाए छोटी सी। तो ये है हमारे शेखर सर, जो कि यूट्यूब ब्लॉगर है आपके इस चैनल के। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इस वीडियोस। सो बाय गाइस। अभी देखा नहीं? ओके, चलिए देखेंगे। हाँ तो गाइस, अभी तक हमने लगभग 1 घंटे का रास्ता कवर कर लिया है, 10 मिनट और बता रहे हैं, और ये खुफिया रास्ता है एक। सो गाइस, 10 मिनट और, ये 10 मिनट और 20 मिनट ख़त्म नहीं हो रहे हैं वैसे। सो गाइस, फाइनली वी आर हियर। सो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, यहाँ पहुँच के। एक घंटे का ट्रैक है? हाँ। एक घंटे से ज़्यादा? कि क्या टाइम हो गया है? 3:30 एक घंटे का ट्रैक है गाइस, ठीक 1 घंटे का ट्रैक वहाँ से यहाँ तक। थोड़ी देर बैठेंगे, मैं सामने लगाता हूँ, दिखाता हूँ आपको नज़ारे। तो गाइस, इसी वाटरफॉल के लिए हम वहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ पे लोग बैठे हुए पहले से। तो मैंने उतार दिए जूते यहाँ पे, ये देख सकते हैं। हाँ तो गाइस, मैं तो ठंडे पानी में खड़ा हो गया हूँ ताकि पाँव की थकान सारी निकाल दे एकदम। यही पानी ऊपर से आ रहा है वहाँ से, ये पानी नीचे को जा रहा है। यही पानी जो है पार्वती नदी में जाके मिलता होगा मेरे ख्याल से। गाइस, आप मेरे पीछे देख पाएंगे, यहाँ पे लगता है कोई ईटिंग आउटलेट वगैरह रहा होगा मेरे ख्याल से, अब बंद है फिलहाल। हमें लगा कि ईटिंग आउटलेट तो आउटलेट है, और ग्लास वगैरह सजे हुए थे,
हमें लगा कि भाई हमें चाय वाय पीने को मिल जाएगा यहाँ पे, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों एक्चुअली दो वाटरफॉल पड़ता है, एक तो छोटा वाटरफॉल एक बड़ा वाटरफॉल। ये था छोटा वाटरफॉल जो पहले पड़ता है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, स्पेंड किया, बहुत ही पीसफुल और एकदम काम, मतलब खामोश जगह थी ये, बहुत वंडरफुल प्लेस है। हमने डेढ़ घंटा बिताया यहाँ पे, बड़ा काम एंड कम्पोज जगह है, कूल जगह है, यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ पे झरना है, पानी में जो है आप बरके बैठेंगे पाँव तो बड़ा अच्छा लगेगा, सामने व्यू देते हैं, काफ़ी सीनिक ब्यूटी है वहाँ पर, तो काफ़ी मतलब आपको पीस ऑफ माइंड देगा, रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट है। तो मैं तो कहूँगा कि आप आए यहाँ बैठें और टाइम स्पेंड करें। दो वाटरफॉल्स, एक तो छोटा वाटरफॉल है जहाँ पे हम बैठे, एक बड़ा वाटरफॉल भी आगे जाना पड़ेगा। अब टाइम नहीं है, हमने यहीं पे स्पेंड कर लिया टाइम, हम यहीं से वापस हो जाएंगे। एक घंटा ट्रैक करने में लग जाता है, जाते वक्त ईजी होगा क्योंकि काफ़ी ढलान होगी, उतरना आसान होता है, चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, वही है। तो दोस्तों मुझे मिल गए हैं जो इवेंट एंड डेकोरेशन जो है करते हैं, जैसे मतलब कोई इवेंट है तो उसमें जो है इंटीरियर्स वगैरह जो है, बैकड्रॉप वगैरह जो भी जो करना है, मैरिज पार्टीज़ में इवेंट एंड डेकोरेशन वगैरह करेंगे, और बेबी शॉवर वगैरह जो है, इंगेजमेंट पार्टीज़, मैरिज पार्टीज़। आपका नाम? रजत सेठी। मिस्टर रजत सेठी हैं ये, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? 9354338737। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ऑल ओवर इन दिल्ली कुछ रियायत कर देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपका नाम यूज करेंगे तो 10% 20% बिल्कुल। शेखर जोन रेफर कर दीजिएगा, शेखर जरूर कर देंगे आपको। तो मैं तो कहूँगा कि आपको इस अपॉर्चुनिटी का जो है पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू जी, थैंक यू। तो गाइस हो गई ट्रैकिंग हमारी कंप्लीट, मतलब वापस जा रहे हैं, हमें देख लिया तोश रिवरफॉल और वाटरफॉल सॉरी, और हम जा रहे हैं वापस। कहीं दुकान होगी ना, उन्हें ना पानी पीना है, जम के पानी पियेंगे, दो तीन बॉटल पी जाएंगे। यहाँ पे लोगों ने मन्नतों का कुछ डाला हुआ है, थोड़ा डलान है। और पहली बात है कि गांव में है, सब एकता है, और फिर आप सारे फैमिली की तरह रह रहे हैं, वही तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है पेपर बैग यूज़ कर दिया है। और जैसे आपने बताया कि बड़ी जल्दी जो है सारे प्रोडक्ट्स जो है पेपर बैग में आएंगे, और मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं जो दूध के पॉली बैग्स हैं वो कैसे आएंगे, मेरे को नहीं पता, अब देखते हैं। वो बैम्बू कुछ हो सकता है, या वो टेट्रा पैक वाला हो सकता है। हाँ वैसे आएंगे। हाँ तो मैं एक बार पूछना चाह रहा था, ये पूरा गांव है आपका, ये मंदिर है, आप ही लोग जा सकते हैं ना इस मंदिर में, बाहर के लोग नहीं आ सकते यहाँ पे? अलाउड नहीं है, सही है, एकदम बढ़िया है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मलाना में है वैसे यहाँ पर है ना, दे तो उनके और यहाँ के ना जब ये तोश है ना, ये पूरा ही अलग से गांव का नाम है, या तोशी बोलते हैं इसको? लोकल पेड़ के नाम से गांव का नाम पड़ गया तोश। हाँ सही है। तो ये भी गांव मलाना की तरह अलग है, तो जैसे वो तो इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानते ना, मलाना में वो कहाँ जाता है, जैसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है वहाँ, लोग भी जो है मतलब औरों के साथ वो नहीं करते ना, टच नहीं करते, दूर से पैसे रखो और दूर से लो सारा कुछ। तो दोस्तों मैं मलाना गांव की जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ से कसोल से थोड़ा पहले है, कसोल बाद में आता है उसके, बुंतर से। हाँ यहाँ से जाएंगे तो कसोल पहले। हाँ जी यहाँ से बिल्कुल जड़ी से राइट मारना पड़ता है। अगर हम बुंतर से कसोल की तरफ आएँ, जो दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, अमृतसर की तरफ से आ रहे हैं, तो वो बुंतर की तरफ से आएंगे, तो बुंतर से कसोल की तरफ आएंगे तो पहले जड़ी पड़ेगा, वो जड़ी उतरेंगे, वहाँ से नीचे जो है राइट मार के वो मलाना तक जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ से वापस जाएंगे तो कसोल के बाद पड़ेगा। अगर कोई कसोल में स्टे कर रहा है या कोई तोश में स्टे कर रहा है, वो मलाना जाना चाहता है, वहाँ पे मलान जाना चाहता है सॉरी,
तो वो वैसे जा सकते हैं, चरी से राइट मार के, और तो से भी पैरेलल। हाँ जी, हाँ जी, तो आप छोटे से ही बचपन से ही पे मिसेज ही है। अच्छा 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 अच्छा, ओके सही है। चलिए जी, अच्छा लगा मिलके आपसे। यही मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ऋषि जमदग्नि जी का मंदिर, परशुराम जी के पिताजी, ऋषि परशुराम जी के पिताजी। इसमें कोई बाहर का बंदा अंदर नहीं जा सकता है, इधर अलाउड नहीं है। तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा जब आप ट्रैक करते हुए आगे जाएंगे वाटरफॉल की तरफ, और ठीक उसके सामने ये दुकान है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। हमने यहीं से शुरू किया था, यहीं पे आए। क्या टाइम हो रहा है? 5:45। 3 घंटे 15 मिनट लगे हमें पूरा आने जाने का ट्रैक करने में। उसमें से हमने लगातार 1 घंटा जो है स्पेंड किया है। 1 घंटा हमने कहाँ स्पेंड किया? 1 घंटा उसमें हमने कहाँ स्पेंड किया? तोश वाटरफॉल। यस, चलो जी, हम रिटर्न हो रहे हैं। हम जा रहे हैं, हमने बस मिस कर दी है। आखिरी बस, अगर आप तोश आते हैं शाम के टाइम, अगर आप बस से जाना चाहते हैं वापस, तो आखिरी बस जो है आपको मिलेगी 5 बजे बरसेनी से जो है आपको तोश से बरसेनी आना पड़ेगा कैब करके, टैक्सी करके। 300 रुपये लगते हैं बरसेनी से तोश जाने के, 300 रुपये, और तोश से बरसेनी आने के 300 रुपये। अगर आप शाम के टाइम रवाना होने की सोच रहे हैं, वापसी होने की सोच रहे हैं कसोल के लिए, तो आपको जो है बस, लास्ट बस मिलेगी 5 बजे बरसेनी से। अगर वो बस मिस कर देते हैं, होटल स्टे अगर आप टोश में करना चाहते हैं, कम से कम आपको जो है वहाँ पे 1000 रुपीज़ एक रूम का जो है डबल बेड स्टार्ट होगा आपको टोश में मिलेगा। उसके आगे आप जो है नेगोशिएट कर सकते हैं कितना मिल रहा है, मिनिमम 1000। और गाइज, जब आप आते हैं वापस और आप बरसेनी, अगर मान लो तोश मतलब पूरा ट्रैक करके वापस आते हैं, अगर आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपने 5 बजे की बस मिस कर दी है, आपको कसोल पहुंचना है या मणिकरण पहुंचना है, तो आपको जो है पहले टोश से बरसेनी के जो है 300 रुपये लगेंगे, और उसके बाद जो है वहां से जो है आपको कसोल तक के 1000 रुपये लगेंगे, है ना। टोटल 1300 रुपये लगेंगे। फिर आप कसोल, अगर आप वहीं से बरसेनी से अगर मनाली जाना चाहते हैं तो आप, अच्छा, तोश जो डैम है वहाँ से 43 रुपये लगेंगे, और बरसेनी से जो है आपको 4000 रुपये, 300 रुपये कम हो जाएंगे वहाँ पे। 43 रुपये तोश डैम से, और बरसेनी से जो है 4000, और वहीं अगर आप कसोल से करोगे तो 1300 रुपये और कम हो जाएंगे, 2700। ये तो है आपका 2800 ऑल्टो 2800। तो ये तो आपका रेट हो जाता है। बाकी आप बड़ी गाड़ी करेंगे तो रेट और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो दोबारा मैं समराइज़ कर देता हूँ, 4300 लगेंगे टैक्सी के अगर आप मनाली जाना चाहते हैं तो, उससे डायरेक्ट 4000 रुपये लगेंगे आपके सीधे बरसेनी से डायरेक्ट। कसोल से जाएंगे तो वहीं 2700 लगेंगे मनाली के लिए। अगर तोश आए हैं, ट्रैक ख़त्म हो गया है, लास्ट बस अपने मिस कर दी है, बरसेनी से कसोल जो जाती है, तो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। तोश से जाना पड़ेगा आपको बरसेनी, बरसेनी तक 300 रुपये लगेंगे, वहां से आपको आगे के 1000 रुपये लगेंगे। तो ये तो है ब्रेकअप। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ मैंने आपको कंफ्यूज किया हो या कुछ किया हो तो मैं उस पर रोशनी डाल पाऊँगा, और कुछ अतिरिक्त सवाल हो गए तो मैं उसकी जानकारी हासिल करके आपको दे पाऊँगा। तो दोस्तों, हमारा आपका आज का सफ़र यहीं तक सीमित रहेगा। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। सो दिस इज़ शेखर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अगर आपका कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।